लटक जाओ सर। तो भाई यहाँ पर एक्सरसाइज नाम की नहीं होती, सिर्फ पूरे काम की होती है भाई। 3 किलोमीटर डाउनहिल और उसी में अपहिल, अभी बीच में एक्सरसाइज करते रहते हैं, कभी बैंड, कभी डड्डू चाल, कभी पुशअप्स। तो गुड मॉर्निंग यार, आज हमारा 5वां दिन कैंप का, और आज हमारी कहीं ट्रैकिंग और आउटिंग नहीं है। आज पूरा दिन हम कैंप के अंदर ही रहेंगे, आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग करेंगे। तो यार ऐसी जगह दौड़ने को मिल जाए तो क्या बात है यार। चलो सबा सबा, मर गया मैं, और मेरा बना तो ये तो मर गया। यस सर। ये पीछे डाउन। आज है आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग, सब लोग डेमो दे रहे हैं अभी। ये देखो भाई, थोड़ी देर में हम भी ऐसे करेंगे। थोड़ी देर में हम भी चढ़ेंगे यार। अच्छा इस्तेमाल करें, ज्यादा ज्यादा वजन अपने पांव के ऊपर रखें तो आपको आसानी होगी क्लाइंबिंग करने में। आप हाथों हाथों से चलेंगे तो क्या होगा, अगर क्या होल्ड जो भी सामने होल्ड है इसमें वैसे स्टार होल्ड रहते हैं बड़े वाले होल्ड, वो आप इंडोर में देखेंगे ठीक है। एक पांव आपका ऊपर रहता है इस तरीके से, नीचे आपका टाइमर लगा होता है, और जैसे आपने एक टच पैड होता है, जैसे आपने उसके ऊपर से पांव ऊपर उठाया, एक पांव जैसे ऊपर है दूसरा पांव ऊपर उठाया तो टाइमिंग शुरू हो जाएगा। ऊपर टॉप ऊपर दौड़ के आप जाएंगे, वहां पर टैप करेंगे तो टाइम रुक जाएगा। क्या बात है, इसमें बहुत तेज भागना होता है, इसके वो वाले होल्ड नहीं है पहली बात इस वाले में, क्योंकि वो रखा नहीं हमने इसमें है ना, क्योंकि उस होल्ड को आप शुरुआत में आप चढ़ ही नहीं पाएंगे उसमें। एक होल्ड पकड़ेंगे दूसरे होल्ड पे आप 90-60-70-80% आप लोग चढ़ ही नहीं पाएंगे उसमें। आप इंडोर में देखना, एक बार ट्राई करके देखना उस पर कितना मुश्किल होता है उसको चढ़ना ठीक है। जी सर, बाकी मैंने आपको बताया ये जो गेम है इसमें ज़्यादा हमारा वो रहता नहीं है, इसके एक्सपर्ट नहीं है हम उतने ठीक है, लेकिन क्या है जो नेचुरल क्लाइंबिंग है, जो नेचुरल जो माउंटेनियरिंग है, क्योंकि माउंटेनियर इंस्टीट्यूट है, समझ रहे बात को। अब आप कितने एक्सपर्ट बनते हैं देखते हैं।
ऊपर गए, उन्होंने टैप किया, हो गया बस। टैप ओके। यार आज पहली बार ब्रिगेडियन भवन में एंट्री लेते हुए भाई साहब देख रहे हो आर्टिफिशियल माउंटेन्स बना रखे हैं क्लाइंबिंग के लिए, आर्टिफिशियल वॉल्स में आ गया। आए हाय आज बस इधर ही चढ़ना है सब जगह, रॉक रॉक उधर से जाओ उधर। और यहाँ पे ऊपर चढ़ते हुए हमारे रवि भैया ऊपर चढ़ते हुए, रवि भैया लटक जाओ सर। विलय करते हुए इसका ओवरहैंग बहुत ज़्यादा निकला हुआ था बाहर को, मतलब पहली वॉल की अकॉर्डिंग। तो यार इसमें बहुत बहुत मेहनत की लेकिन चढ़ नहीं पाया। देखो आप बीच आए निशंक जी, मेरे उत्तराखंड के पुलिस वाले लगे हुए हैं सारे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। निशंक जी के यहाँ फोटोग्राफी होगी, ये देखो ये है निशंक जी, हमारे मिनिस्टर रह चुके हैं जो, सारे बच्चे फोटोग्राफी के लिए तैयार है। यार क्लाइंबिंग का पहला सेशन हो गया, उसके बाद सारे लोग रेस्ट कर रहे हैं। और ये जो पीछे से गाने की आवाज़ आ रही ना, वो यहीं चल रहा है गाने। देखो ये छोटे छोटे वॉशरूम से दिख रहे हैं ना, ये स्पीकर हाउस हैं। देखो यहाँ देखो स्पीकर दिख रहे होंगे अंदर आपको, और सब जगह हैं। देखो यहाँ भी है स्पीकर हाउस, ये देखो स्पीकर हाउस 400 रुपये, एक यहाँ भी है। और ये रहा हमारा चॉक पाउडर, हाथ में पसीना आता है इसको लगा के जाने। तो यार आज का दिन भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन हमारा एक जुमार मिसिंग है। जुमार बोले तो एक इक्विपमेंट है जो क्लाइंबिंग के लिए यूज़ होता है, और उसका चार्जेस हैं 5,500 रुपये, 5,500 रुपये अगर खो गया तो। और वो मेरी टीम का भी मिसिंग है, और अभी एक भाई लेके आया था। सब कहाँ गया था भाई, दे दो यार एक, नहीं दादी भी बात नहीं है सच में यार। इस भाई का भी जुमार मिसिंग है। और हम जा रहे हैं टेकला ट्रैकिंग कैंप, और हम लोग दो तीन रात और 4 दिन वहाँ पे रुकेंगे। वहाँ पूरा जंगली एरिया है, मतलब काफी ठंडा भी होगा वहाँ पे। तो ठीक है यार, बाकी वहाँ पे देखते हैं कैसा रहते हैं। गुड नाइट, ठीक है, आपकी वीडियो बाय, गुड नाइट।